हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है ट्यूसडे और अभी भी जस्ट मैं उठ के नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। बट हमारी भानु बहुत पहले उठ गई थी और उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट दैन लंच दोनों तैयार करके टिफिन में पैक कर दिया ऑफिस के लिए। तो गाइस, मैं तो निकल रहा हूँ। भानु तो भी टाइम पर चले जाइए, ठीक है? हाँ, चल बाय। हाँ बाय। तो अभी गाइस निकलते सीधा। तो अभी गए तो अभी तो रास्ते में हूँ, बस पहुँच ही रहा हूँ। सुबह हमने 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, बट 5 बजे अलार्म लगाने के बाद भी हम लोग उठ नहीं पाए, क्योंकि फिर उठे हम लोग 6 बजे। तो मैंने भानु को फटाफट बोला, भानु फटाफट रेडी हो। तो उसने बोला, मामा आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। देन भानु ने ब्रेकफास्ट और लंच मेरे लिए फटाफट तैयार कर दिया और मैं तो निकल आया ऑफिस। भानु भी अभी जाएगी थोड़ी देर में स्कूल। बट क्या है, जो टाइम सेट करके रखो ना, उस पर उठ नहीं पाता बंदा। एक तो वहाँ नींद बहुत अच्छी आ रहा है, आती घर में बहुत ही अच्छी नींद। भानु को मैंने बोला, अभी भानु कोई नहीं, लेट हो चुकी है, अभी नहीं बना सकते कुछ भी। पर वो मुझे बोली, मामा कोई नहीं, आप 10 मिनट है, 10 मिनट में पूरा रेडी कर देते हैं। अब बताओ उसे क्या क्या बनाना है। भाई साहब, लड़की ने सारा बना दिया फटाफट फटाफट। भानना पड़ेगा उसको। मैं सोच रहा था कि तू काम करती, आज पता लगा भानु भी काम करती है भाई बहुत। तो गाइस फटाफट भानु ने रेडी कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि कब उसने रोटी बनाई, कब उसने देन सब्जी वब्जी बना के सारा रेडी कर दिया और मुझे भेज दिया ऑफिस। तो अभी गाइस मैं भी पहुंच गया ऑफिस। हम लोग मिलते हैं शाम को 4:30 के बीच में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। तो अभी गाइस निकल गया हूँ ऑफिस से, अभी भी जस्ट निकला ही हूँ। अभी जाऊँगा सीधा घर पर। आज ऑफिस में बहुत सारा काम था, उसके चलते बहुत थकान हो रही है, और जो एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं, टैबलेट्स भी लेके गया था उसके चलते। हालांकि अभी वो प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, बट देखो अभी कब तक ठीक होता है। अभी दवाई तो ले ही रहा हूँ, हो जाता तो ठीक है, वरना फिर आगे और किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, हो जाएगा, मुझे लगता है कि इन्हें दवाई से हो ही जाएगा ठीक। देखो अभी क्या होता है। तो अभी कहीं चलते सीधा घर के लिए, क्योंकि आज भी हमको शाम के टाइम वही जाना है, जितेंद्र के साथ में जाना है, क्योंकि वो अकेला डर रहा है कमरे पर रहने के लिए। तो वो बोल रहा था कि आप लोग आ जाओ मेरे साथ रात में। तो अभी जाएंगे हम लोग रात में, अभी चलते सीधा घर। पहुंच गया हूँ घर में। और भानु स्कूल से कितने बजे आए थे बाबू आज? 11:30 बजे मामा। और यहाँ रूम पे? यहाँ 11 की छुट्टी हो गई थी स्कूल की, 11:30 पहुँच गई रूम पे। यहाँ पे भाभी तो कह रही थी, फिर गई थी तू दोबारा वहाँ? वो कपड़े वपड़े धुलाने थे। अच्छा, वही वॉश किया तूने कपड़े अपने? हैं, तो कितने बजे आए वापस? मैं आ गई थी 3 बजे तक वापस। फिर 3 बजे तक आ गई थी। वहाँ क्या करता था, ऋतु के साथ खेल रही थी? नहीं, कपड़े धुलाया और पानी भरा। अच्छा, वहाँ पे। और पापा जी कैसन बा? ठीक बा। हाँ ठीक हो, एकदम मस्त। आज तो आप दिन में, मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले आप नंगे पाँव ही वॉक कर रहे थे बाहर। हाँ, चप्पल क्यों नहीं पहनते फिर? सैंडल पहन के घूमा करो, दोबारा से कोरोना फैल रहा है अभी। ध्यान रखा करो अपना, स्पेशली आप, ठीक है? बाहर सैंडल पहन के घुमा करो, क्योंकि कितने लोग लोग चलते हैं ना वहाँ पे, हम अकेले थोड़ी ना है, ठीक है? हाँ ठीक है पापा, सैंडल पहन के घूमना बाहर, वैसे मत घूमना भी। हाँ, उसी फुटपाथ पर बहुत सारे लोग चलते हैं ना, और आप भी चल लेते वैसे ही, तो उस चीज़ का ध्यान रखना बस। बाकी जब अंदर रहते हो तो हाथ मुँह तो धो के आते हो आप, बट वैसे भी ध्यान रखना अपना, क्योंकि दोबारा से अभी हो सकता है दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगे, कुछ पता नहीं है अभी। कोरोना पता नहीं कब जाएगा, कुछ पता नहीं है अभी, है ना? ये चलता है जब तक अपना ध्यान तो रखना ही है हमको, है ना? तो अभी गाइस अभी हम जा रहे हैं रेखा दी के घर पे, क्योंकि वहाँ जितेंद्र अकेला रहता है, तो आजकल उसका साथ देने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसको अकेले कमरे में बहुत डर लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं। चले पापा, चलो बाया, खाना वाना हमारे लिए पैक कर दिया भाभी ने, अब हम जा रहे हैं। चले भानु, चले ठीक है। तो अभी गाइस पहुंच गए रेखा दी के घर में, और ऋतु भी आ गई है। हाय ऋतु, कहाँ भाग रही है? ऋतु भाग गई। तो अभी गाइस डिनर करते हैं, देखते हैं डिनर भाभी ने क्या भेजा है। तो अभी गाइस डिनर में प्याज, सीताफल की सब्जी और रोटी। तो अभी गाइस दवाई ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को दिक्कत चल रही है उसके चलते अभी टैबलेट ले रहा हूँ। दो खुराक रह गई है, बाकी तो सब मैंने खा लिए, दो ही रह गई अभी। वैसे थोड़ा रिलीफ है, आराम है दवाइयाँ खा के।
हाय दैया मोरी मैया, वो नीचे चला गया है गोली। खाली अब दवाई। तो विकास मेरा छोटा भाई जितेंद्र भी आ गया काम से, उसको दो तीन दिन से यहाँ पांच आई थिंक दो तीन दिन तो रह लिया मैं यहाँ पे, दो दिन तो ये काट लिया कैसे ना कैसे। अब इसको अकेले लग रही है यहाँ पे, डर ये कह रहा डर नहीं लग रही पर उसको अजीब सा लग रहा है ना अकेले रूम पे रहना। बाकी इतना हरा भरा बोले तो सारे लोग रहते थे यहाँ पे, अब सब कैसे अब गाँव चले गए। अब वो आएंगे पाँच छः दिन के बाद, तो ये कह रहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ और मेरे को अकेले अच्छा भी नहीं लग रहा। तो फिर हमने कहा ठीक है मैं वहाँ भी चलते वहाँ और हम लोग उसके साथ रह लेंगे रात में, देन फिर सुबह मैं अपना यहाँ से ऑफिस के लिए, भानु स्कूल के लिए, फिर सुबह तो ये भी चला जाता है ऑफिस के लिए। आप अपने काम पे कितने बजे आता है? तो 8 बजे आता, कितने बजे? वही रात के 11:30 बजे तक। बीच में आता है ना तो ब्रेक पे, बीच में ब्रेक पे आने के बाद फिर ये फिर से चला जाता है। तो ठीक है, हम लोग का भी आजकल इसके साथ उसको भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भल लागू हूँ हैं, चल सही है बढ़िया है। तो अभी गाइस अभी कर रहा हूँ एडिटिंग और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल बने हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।